प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। जगत और भगत के क्रियाओं में और विचारों में सदा से भिन्नता रही है, और इसीलिए कहा है कि जगत और भगत का आपस में विरोध रहा ही है और ये रहेगा भी। जब तक जगत को आप जैसा ज्ञान नहीं होगा तो वो विरोध करेंगे ही करेंगे, स्वाभाविक है, उनको अच्छा सा नहीं लगता। जैसे यहाँ पहली बार कोई व्यक्ति आता है और दूसरा आके प्रणाम करता है, वो खड़ा खड़ा देखता रहता है ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, उसको अच्छा सा नहीं लगता, क्योंकि वो तो अहंकार में कोई छोटी मोटी पोस्ट हो तो उसने तो भारी बात हो जाती है, कैसे लंबा लेटूं। ये होता उनमें जो भक्तिहीन होते पिछले जन्म के, और पिछले जन्म के भक्ति युक्त प्राणी होते हैं, चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो तुरंत समर्पित हो जाता है, वो पिछले संस्कार उसको अपने आप झुका देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सरसों, आपने देखा होगा सरसों जब तक उसकी फलियों में दाने नहीं होते, यानी उसकी कीमती नहीं होती, तब तक वो ऐसे खड़ी रहती है, और जो जो वो पकती चली जाती हैं और वो उनमें कीमती बनती जाती है, उनकी वैल्यू बनती है, वो झुकना शुरू कर देती है और इतनी झुक जाती है कि ज़मीन को छूने की चेष्टा करती है, क्योंकि ईव उनकी कीमत बन गई, वो कीमती हो गए, उनके अंदर वो शक्ति आ गई, वो कीमत बन गई। और जब तक वो यूजलेस थी, वो न्यों खड़ी थी आकड़ी ऊपर ने। तो इसी प्रकार जो पूर्व जन्म के भक्ति युक्त होते हैं, उनका स्वभाव होता झुकने का, वो खड़े रह ही नहीं सकते, उनके अंदर पिछली भक्ति इतनी जबरदस्त होती है, और जो भक्तिहीन होते हैं वो आकड़े रह आकर नोक, लेकिन उनमें भी भक्ति बन जाएगी, सत्संग सुनेंगे, भगवान की अमृत वाणी सुनने मात्र से संस्कार शुरू हो जाते हैं, चाहे वो घर पर सुन रहा है मालिक दास के वचन, किसी टीवी पर, या अपने किसी इस सिम के अंदर या इस चिप के अंदर से जो सत्संग सुनते हैं, वो भी संस्कार भरने शुरू हो जाते हैं उसमें, उसमें वजन बनना शुरू हो जाता है, फिर धीरे धीरे यहाँ भी आता है, फिर सत्संग सुनता है, यहाँ जो है प्रणाम करता है, फिर उसके अंदर वो भक्ति संग्रहित होकर अपने आप झुकना उसका स्वभाव बन जाएगा, फिर उसको बुरा लगेगा तो झुका नहीं गया, प्रणाम नहीं करेगा तो उस पर कह नहीं जा। तो जो प्रसंग चल रहा है कि अब ये बिचली पीठी चल रही है, और इसमें क्योंकि सत्संग एक सामूहिक तौर से सब विचार व्यक्त किए जाते हैं, इस ये एक सामूहिक लेक्चर है जिसमें प्रथम कक्षा के बच्चे भी होते हैं जो पहली बार आए हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो वैसे ही सत्संग श्रवण करने के लिए भी आए हैं, कुछ ने आज ही उपदेश लिया है, कुछ दो वर्ष के हो गए, कोई चार बार आए हैं, कोई पुराने भक्त हैं, तो सभी के अनुकूल इस सत्संग के माध्यम से ही संदेश दिया जाता है, और उनको जिसको जहाँ कोई त्रुटि होती है ये वचन वहीं काम करते हैं। जैसे आपको कोई बीमारी रोग है, इंजेक्शन कुल्ले पर लगाएंगे, वो उसी दर्द पर जाकर काम करेगा जो रोग होगा, इसी प्रकार कोई रोग की टेबलेट है मुख से खाई जाती है, वो अपने आप वहाँ काम करेगी जहाँ वो रोग है। तो इसी प्रकार ये सत्संग सामूहिक तौर से सबके ऊपर बिखेरा जाता है, और जिस सत्र का जो भक्त होता है उसको उसी सत्र का ज्ञान उसके लिए अनिवार्य होता है, और उसमें उससे फिर वो प्रेरित होता है, फिर संभल जाता है, कोई त्रुटि भी उससे हो जाती है। तो इसलिए ये सामूहिक तौर से सभी फाउल पॉइंट भी बताए जाते हैं कि यहाँ यहाँ आप मार खाते रहे हो और ये समस्या आ जाती है। तो दास जो कह रहा था कि अभी आपको कुछ परेशानियाँ आएंगी और आ भी रही हैं, और फिर भी आप संघर्ष कर रहे हो समाज के साथ, क्योंकि आपको ज्ञान सही प्राप्त हो गया और आपको सुख भी मिल रहा है, और समाज अभी इस ज्ञान से अपरिचित है, तो अभी कुछ दिन और थोड़ी सी समस्या आपको रहेगी,
फिर जब पूरे विश्व में यह ज्ञान फैल जाएगा, सब आपके साथी हो जाएंगे, आप जो भी वचन कहोगे, जैसे हमने रामायण और महाभारत सुनते सुनते कान पक गए, हजारों वर्षों से सब ने सुन ली, सब ने मान ली, सारी सही बिल्कुल, राम कृष्ण समर्थ भगवान। अब कोई भी कितना खड़ा होकर कोई कहा करता कृष्ण जी ने न्यू कर दिया, सारे नाड़े लाया करते, हाँ जी बस ये समर्थ शक्ति है, सर्वशक्तिमान है, हाँ जी। अब कहते हैं झूठ को 100 बार सुन ले वह सत्य लगने लग जाती है, और हमने सुन रखी थी लाखों बार, तो वो एक रस हो गया था, कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा। अब ये सच्चाई भी ऐसे ही दास बार 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 रह रह कर सुनाओगा, तो ये सच्चाई भी आपको एक दिन सबने स्वीकार करनी पड़ेगी, और सभी ऐसे ही गर्दन हिलाया करेंगे, बिल्कुल सही, यही है ज्ञान, और ज्ञान ही नहीं, और यही कबीर है भगवान, और भगवान ही नहीं, इस ज्ञान से ही होगा। तो इस प्रकार अभी आपको प्रॉब्लम रहेगी और संघर्ष करो, ये तो आज़ादी के सी लड़ाई समझ लेना, लेकिन हमारी लड़ाई हथियारों की नहीं, ज्ञान के शस्त्र से हमने लड़ना है। कबीर साहब का ज्ञान ऐसा है, कहते हैं और ज्ञान सब ज्ञान डी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे घोड़ा तोब का करता चले मैदान। मैदान तो कर दिया शंकराचार्य, हमने निमंत्रण उनको दे लिया, कहा जाओ जी चर्चा करो, कुछ हमारी त्रुटि हमें बताओ, आपकी हम बतावाएंगे उसको, एक समाज को एक दिशा दे दें। लेकिन कुछ भी रहा हो, चाहे वो अपने आप को गण्यांडी मान रहे होंगे, अके जावा रामपाल का तो कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी गरीब के पास भी आ जाना चाहिए बड़े आदमियों ने जो आमंत्रित करता है। दूसरी बात यह है कि उनके पास कख नहीं, उनको सारा पता लग चुका है, क्योंकि पुण्यात्माओं आज इतना सेंसिटिव मीडिया है, एक वचन भी दास ने इस पूरे सत्संग में गलत बोल दिया होता, ये बवंडर बना देते। और आज मैं सीधा छाती में मार रहा हूँ इनके सच्चाई को, और कोई चसक नहीं रहा, इतना वजन है सच्चाई के अंदर, तो वो यहाँ नहीं आए, दुर्भाग्य था हमारा, बहुत इंतजार की उनकी, लेकिन परमात्मा ने दया करी, साधना चैनल वाले पर न्यारी रजा कर दी दाता ने, इसने अपनी टीम भेज के और सबसे उनके इंटरव्यू ले लिए, खुश होकर दे दिए, धोती सी मन्नत धो दी उनकी, यहाँ पर दिखा दिया किसे शंकराचार्य है और किसे आचार्य है। तो पुण्यात्माओं कहने का भाव यह है कि जब तक ये पूरे विश्व में एक रस नहीं होगा, तब तक थोड़ा सा विरोध बना रहेगा, और उसमें आपने घना सावधान रहना पड़ेगा कि आपका नाम खंडित ना हो। वैल्यू है, कहते हैं परमात्मा, कहते हैं जैसे माता गर्भ को रखे यतन बनाए और ठेस लगे तो छन हो तेरी, ऐसे भक्ति जाए। अब भक्ति का मिलना ये बड़ी कठिन, और मिलने के बाद फिर वो उसको सुरक्षित रखना वो एक बहुत बड़ी बात है। जब तक परिपक्व नहीं हुई तो फिर फायदा क्या उसका, तो इतना सावधानी आपने बरतनी पड़ेगी। जैसे कोई माता बच्चे को गर्भ में आते ही वो कितनी सतर्क हो जाती है, खान पीन में संयम बरती है, पैर ऊंचा नीचा ना टिक जा कि तो बच्चे का झटका लग जा, रात को करवट ले भी गलती से ले लेती है तो तुरंत सतर्क होती है, और कहीं मेरे बच्चे का दाब ना लगी हो और खराब ना हो जाए मेरा गर्भ, वो कितनी चिंतित रहती है। तो आप जी ने इस भक्ति का जो लाल है, इतनी सावधानी से परिपक्व करना पड़ेगा, तब आपको सफलता होगी। इसमें फाउल पॉइंट है, आन उपासना नहीं करनी, संसारिक व्यवहार के जो भी कार्य हैं जो भक्ति परमात्मा की मर्यादा को भंग करते हैं वो नहीं करने, और फिर आप सफल हो जाओगे। तो अभी थोड़ी सी कठिनाई आपको चल रही है, घर घर में विरोध चल रहा है, पति ने नाम ले लिया, पत्नी नहीं मानती, मैं तो सारी पूजा करूंगी, तो कैसे ऐसा क्या कर रहा है, पत्नी ने ले लिया तो पति दुखी करता है। तो धीरे धीरे ज्ञान से क्या होगा, ये ज्ञान ऐसा है कि आप घर पर चलाओगे और बच्चों पर भी असर करेगा, ना सुनेंगे तो भी कक्ष में सोए हुए व्यक्तियों पर भी ये वाणी असर करेगी, जैसे गारुडू का मंत्र अचेत हुए उस सर्प के डसे हुए व्यक्ति पर जो सुन भी नहीं रहा समझ भी नहीं रहा, और उसके ऊपर भी वो मंत्र बोल बोल कर उसके विष को उतार कर सचेत कर देता है। और ये तो परमात्मा की वाणी सब सिद्ध है,
ये तो अपने पशु पक्षियों के ऊपर भी ये वाणी जा रही है, उनको भी उनके भी पाप डाउन हो रहे हैं। ठीक है, उनके पाप गणे हैं इसलिए पशु योनि मिली, तो वो पाप घटते रहेंगे। जैसे कपड़ा किसी का ज़्यादा मैला है, हो गया है, मैल हो गया है, तो वो कई बार साबुन लगाने से स्वच्छ होगा, उज्जवल हो जाएगा। और जिसका थोड़ा मैला है, एक दो बार साबुन लगाने से उज्जवल हो जाता है। तो ये साबुन है, परमात्मा का जो ज्ञान है, सत्संग है, वचन है, ये साबुन और जल दोनों का काम करता है। तो धीरे धीरे ये सत्संग जिस घर में चल रहा है, पड़ोसियों तक भी असर होगा आपका, और आपके घर के पशु पक्षियों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। आपके घर कोई पशु पक्षी भी रह रहा है, उसके ऊपर भी धीरे धीरे उसकी उसके अंदर ये वाणी का जो ज्ञान यज्ञ का पुण्य उसमें संग्रहित होगा। और कुछ ऐसे पाप हैं जो ज्ञान यज्ञ से ही खत्म होते हैं और उसका विकल्प ही नहीं है। जैसे कपड़े को पहले थोड़ा मैला है तो जल से धो दिया, साफ हो गया। ज़्यादा मैला है तो और भी मैल रहा तो साबुन लगाना पड़ा, और फिर भी कोई दाग दबा रह जाता है तो ड्राई क्लीन से साफ हो जाता है। तो इसी प्रकार ये सभी क्रियाएं हमें अपने अंतःकरण, अपने जीव के ऊपर, आत्मा के ऊपर जो मैल जमा हो गए, उन सभी पापों का नाश करने के लिए ये सारे ही साधन अपनाने पड़ेंगे। मंत्र के जाप भी करने पड़ेंगे, पांचों यज्ञ भी आपने करनी पड़ेंगी, और तब जा करके आपकी भक्ति सफल होगी। तो इसमें फाउल पॉइंट दास आपको बता रहा है कि ये भ्रमित ना होना, ऐसे कोई व्यक्ति आपके साथ डिस्कस भी करे तो उसको समझाना कि देखो, पहले तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर की औषधि में हम स्वयं ही विवेचन करते हैं, तो फिर उस डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं कि इसने दवाई ठीक नहीं दी, तो कोई और देखो, वहाँ से लो। तो इसी प्रकार सबसे पहले तो ये देखो, ये ज्ञान आज तक ना किसी ने सुना और ना सुनाया, किसी के पास था ही नहीं। और जिन महापुरुषों के पास था उनको प्रतिबंध कर दिया था, मालिक ने प्रतिज्ञा करा दी थी कि अभी इसको डिस्क्लोज ना करना। तो महापुरुष थे, वो अपनी अमृतवाणी में बोल के सारा कुछ लिख गए, एफिडेविट बना गए, कबीर इज गॉड, ये वो फाइनल कर गए थे वो महापुरुष, जिनके दास बार बार उनके शुभ नाम आपको सुनाता है। और फिर हमारे सदग्रंथ उसी का प्रमाणित करते हैं कि कबीर इज गॉड। तो फिर ये क्लियर हो गया कि आज तक कोई हमें यही निर्णय नहीं करके बताया कि भगवान कौन है और कैसा है। अब जैसे रामकृष्ण को और विष्णु जी को, शंकर जी को भगवान मानने वाले, उनसे अगर हम पूछा करते थे कभी, वो कहता मैं समाधि लगाता हूँ। भगवान देखा आपने? भगवान दिखता थोड़ा ही है, वो तो निराकार है। अरे ये विष्णु ब्रह्मा जी की मूर्ति रख रखी, ये क्या? फिर तो हमारा निराधार ज्ञान था, बेसलेस था, हम डामाडोल थे, स्थिर नहीं थे। और इसी प्रकार ये राधा स्वामी, किसी ने पूछ लो या किसी महर्षि ने पूछ लो, अभी तक जिनके विचार रहे हैं, परमात्मा तो निराकार है, साकार आता जब राम कृष्ण रूप बन जाता फिर निराकार हो जाता है, तो खा ज्ञान था इनको। वेद बताते हैं कि वो परमात्मा सशरीर है, मनुष्य सदृश है, ऊपर सिंहासन पर विराजमान है और उसके सिर पर मुकुट है, ये तो वेद बताते हैं, राजा की तरह बैठा है। और यही वो संत बताते हैं जिनको भगवान ने जिन आँखों देखा वहाँ पर, तो फिर इसमें कोई डाउट नहीं रहा कि हु इज गॉड और कैसा है वो भगवान। तो ये सारे कंसेप्ट क्लियर इस दास ने करे, आज तक किसी ने नहीं किए। तो इसी प्रकार इस साधना पर भी विश्वास करना, किसी से डगमग ना होना, क्योंकि काल ने अपने एजेंट छोड़ रखे हैं, वो अपने कर्म बिगाड़े हैं, तो वो भी भगवान के बच्चे पर भ्रमित है, उस काल से प्रेरित है, उनका दुर्भाग्य है कि वो अशुभ काम पर लगे हैं। तो दास की उन सभी संतों से भी प्रार्थना है कि वो भी भगवान के बच्चे हैं, और परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड करके वो भगवान के दोषी हो रहे हैं। सबसे बड़ा अपराधी इस पृथ्वी पर यदि कोई प्राणी है जो गलत ज्ञान प्रचार करता है, वो भगवान का सबसे बड़ा अपराधी है। और आज देख लो, आज तक इस दास के अतिरिक्त या पहले महापुरुष रहे, उन्होंने जो ज्ञान दिया वो अपने सत्र का दे ही गए, उन्होंने आगे नहीं ये मंत्र वगैरह डिक्लेयर किए, वो बात अलग है। लेकिन वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त सभी मिसगाइड किए बैठे ये संत, मंडलेश्वर आचार्य और शंकराचार्य, तो ये अपराधी उस परमात्मा के, इनको चाहिए अपना भी कल्याण करावें और सच्चाई से अपने अनुयायियों को भी परिचित होने दें, इनका भी कल्याण हो जाएगा, समय आ गया। ये तो होगा ही होगा।
ये कह देंगे तो इनका जो है बड़ी शाबाशी होगी, इनकी इज्जत रह जाएगी, और नहीं तो चले तो यहाँ आवेंगे फिर ये अकेले बैठे रहेंगे वहाँ पर, रोए जाइए अपने कर्मा ने। आज कौन ऐसा मूर्ख है जो अपने जीवन को नाश करेगा जब पता लग जाए। तो फिर दूसरी समस्या ये आती है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, कोई बात हुई या एक डॉक्टर से इलाज नहीं होता तो 100 बदलने चाहिए अपनी जान बचाने के लिए। और कबीर साहब कहते हैं जब लग गुरु मिले नहीं साचा, तब लग गुरु करो 10-5। और झूठे गुरु के पक्ष को तज्द ना लावे वार, और द्वार ना पावे शब्द का वो भटके वार का वार। और इतना शीघ्र बदल देना चाहिए गुरु को, कबीर साहब कहते हैं कि डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक, और बेहरा देखा जर जरा उत्तर चले फड़क। पहले बेड़े होया करते थे, फ्लोटिंग लकड़ियों का एक बेड़ा बना लिया, अभी तो नौका तो बहुत बाद में चली है, पहले बेड़ा होया करता था, उसके ऊपर बैठ कर दरिया को पार करके अपना कोई काम करने जाते थे, उन बेड़े के ऊपर बैठ कर जाया करते, तो वह बेड़े कई बार गल जाते थे, कंडम हो जाते थे। तो जब परमात्मा कहते हैं कि जिस साधना को आप कर रहे हो, जो गुरु की जिस गुरु के जहाज में आप बैठे हो, उसका जब आपको उसके सामने दूसरा जो बिल्कुल ओके बेड़ा आ गया, नौका समझ लो, बेड़ा तो नहीं समझ में आओगा। अब एक नौका है जिसमें आप बैठे हो, उसके अंदर सुराख हो गया है और जल उसके अंदर घर कर रहा है, अंदर प्रवेश करना शुरू कर दिया है, और उसके बराबर में दूसरा कोई सही ओके नौका रख देता है, साथ में खड़ा कर लेता है, और वो कहता है कि भाई तुम डूबोगे इसमें आ जाओ। अब जिसने गुटी सूटी ला रखी होगी, नशा कर रहा होगा, तो ठीक है मौजूरी है, वो तो डूबेंगे। और जिनको नशा नहीं है और उनको पता लग गया दोनों का डिफरेंस कि ये जल आ रहा है, तुम डूबोगे इसमें, तो वो जो जिनका नशा नहीं है वो तुरंत एक सेकंड भी ना लावे, तुरंत कूद जाएंगे उसके अंदर। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक, और बेड़ा देखा जर्जरा यानी टूटा फूटा डूबण वाला, उत्तर चले फड़क फड़क, जैसे पशु कई बार आवाज़ सुनकर औरन शिकीर फड़क को भाग जाता काफ़ी दूर, बहुत स्पीड से भागता एकदम, तो कहते हैं ऐसे कूद गए दूसरे में। तो परमात्मा कहते हैं झूठे गुरु के पक्ष को तजत ना लावे वार, एक सेकंड के अंदर बदल लेना चाहिए। और पुण्यात्माओं, आज जिस विश्व में कोई गुरु नहीं है इस दास के अतिरिक्त, सतगुरु की तो बहुत दूर की बातें हैं, वो गुरु भी नहीं है। तो कबीर साहब कहते हैं गुरुआ गाम बिगाड़े संतो, गुरुआ गाम बिगाड़े, गुरुआ गाम बिगाड़े संतो, गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए ईब जड़े ना धाड़े। हाय हाय, अब परमात्मा रह रहकर अपने उस ज्ञान के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि गुरुआ गाम बिगाड़े संतो, इन गुरुआ गाम बिगाड़े नकली गुरुओं ने जगह जगह गुरु बने बैठे, और ऐसे कर्म जीव कहला दिए बहुर झड़े ना झाड़े। अब कोई जो भी पूजा उन्हें चिपका दी, उनके ये कर लो, सराहद निकाल लो, फलाना कर लो, अब वो उनको छोड़ना नहीं चाहते, जबकि सारे शास्त्र विरुद्ध साधनाएं हैं। अब क्या बताते हैं, पाहन को परमेश्वर कहते, या निंदा बड़ी भारी, या को मोकू समझ पड़ी है पूजा दी अगारी, जो हड़का जल भर कह लाए चरणामृत ठहराए, हर जड़ के चरण दो कह दिन ने फिर चेतन को फिर प्याए। अब क्या बता रहे हैं कि जैसे पहले हमने देखा हमारे गांव में एक शिव जी का मंदिर है, और कभी वहां चले जाते थे, कभी त्यौहार होता था, अब शिव जी का मेला भरता था, तो क्या करते थे उस जोड़ में थे तालाब में जिसमें महेश भी माए मूतते हैं, उस सब नहाया करती, वह भी पेशाब करें टट्टी करें, और उसमें से भर के लाते लोटा, और उसको फिर भगवान शिव जी के उस पर शिवलिंग पर डालते, और फिर आगे निकलता उसको लोटे में भर लेते, उसने चरणामृत बना के सारे ने बाटा करता पुजारी। परमात्मा कहते हैं कि जो हड़का जल भर के लाए तालाब से और चरणामृत ठहराए, और जड़ के चरण धोके प्याए, उस पत्थर की मूर्ति के चरण धोके प्याए, और
जड़ के चरण धोकर दीने चेतन को फिर प्याए, चेतन को प्याओ जड़ की जो पत्थर के चरणों का चरणामृत। फिर कहते हैं कौवा मच्छा और मीन जल पिया और बिष्टा की नामाई गुरुआ कह तो गारा लग गया जुग जुग छूटे नाही। भरम विधूषण शब्द हमारा कोई गावे कोई रोवे और पांडे को तो परख नहीं ये कीचड़ी मुंह में धोवे। कहते हमारा जो ज्ञान है ये सब भ्रम का निवारण करने वाला है, इसको सुनो। और पांडे जो यानी जो आपके गुरुजी आपको दीक्षा साधना बता रहे हैं ये तो ऐसा है जैसे कीचड़ से कपड़ा धो रहे हो तुम, दूनी गारा लगेगी वो साफ नहीं हो सकता जो साधना आप करें। भैरव भूत मसाणी पूजे और दुर्गा देवी धावें, उत्ती के तो तब ही बाजे जो बकरे आण कटावे। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े ये बादो नदी बिहंगा, गरीब दास वो भव जल डूबे नहीं साध सत्संगा। कि जिनको संतों का संग नहीं मिला सत्संग नहीं मिला वो भवजल के अंदर ही डूब जाते हैं। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े ये आपके गुरुजी कहते हैं आपको दरिया पार कराने के लिए ऐसा साधन दे रखा है जैसे कोई ये कह दे कि भेड़ की पूछ पकड़ा दे और कहते इसको लेकर दरिया में बढ़ जा ये पार कर देगी तुझे, तो वो साधन दरिया को पार करने का नहीं है, ये तो आपको अंडरस्टूड है। उसका कौन सा साधन है कि नौका हो ओके, लीक प्रूफ हो, वाटर प्रूफ हो और उसने रखे और साथ में फिर चलाने वाला सही कार्य बिल्कुल परफेक्ट हो और उसमें बैठे फिर पार होगा। भेड़ पूछ के पकड़न से दरिया पार नहीं हो सकती। इसी प्रकार जो साधनाएं आज तक आप कर रहे थे वो ऐसी साधना थी मोक्ष कराने के लिए, जैसा आप उद्देश्य ले रहे थे ऐसी थी जैसे भेड़ की पूछ पकड़ कर दरिया पार करते, और वो भी भादों वाली दरिया, भादों के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा हुआ करती थी और सभी दरियाएँ ओवर फ्लो होकर किनारों को चाटती हुई चला करती हैं, और ऐसे भयंकर समय में और ये साधन दे रखा आपको। तो यहाँ कहते हैं भेड़ पूछ को पंडित पकड़े भादो नदी भी हंगा और गरीब दास वह भव जल डूबे जिन नहीं साध सत्संगा, जिनको संत सतगुरु नहीं मिले वो यहीं डूब जाएंगे। कबीर साहब कहते हैं कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार और भू ये पूछ पकड़ के भेड़ की ये उतरा चाहे पार। अब थोड़ी सी इन नकली गुरुओं की हिंदी करता हूँ, उसके बाद आगे आज की कथा सुनाएंगे। अब परमात्मा क्या कहा करते, गरीबदास साहिब को भगवान मिले, सचखंड ले गए फिर वापस छोड़ा, और परमात्मा ने पहले कहा था कि बारहवा पंथ जब गरीबदास बारहवें पंथ का जो संचालक होगा प्रवर्तक उसके माध्यम से मेरी वाणी पुनः प्रकट होगी, मेरा ज्ञान दूंगा। और बीच में जैसे 600 वर्ष पहले कबीर साहब जी ने धर्मदास जी को जो ज्ञान दिया था वो कबीर सागर में लिपिबद्ध हुआ, तो परमात्मा ने पता था कि बीच में काल के दूत इसमें कोई ना कोई गड़बड़ करेंगे। आप एक अनुराग सागर है, कबीर सागर का एक चैप्टर है, तो ये कबीरपंथी विशेषकर उस अनुराग सागर को ही घसीट रहे थे, और इस कबीर सागर के संशोधनकर्ता ने यो युगलानंद बिहारी जी ने एक टिप्पणी कर रखी है इसमें कबीर सागर में उसको संशोधित करते हुए कि मेरे पास अनुराग सागर की 45 कापियां हैं, कुछ हस्तलिखित कुछ प्रिंटेड, इनमें बहुत सी ऐसी हैं जो एक दूसरे से मेल नहीं कर रही। तो इसका क्या मतलब है कि जिसने जैसी भी उचित समझा, अब जिस भी संत ने जो नकली संत थे काल के दूत जिन्होंने वो समझ में वाणी नहीं आई वो काट दी, अपने अनुकूल जो वो बकवाद क्रिया करता हुआ लिख दी और उसको आगे प्रिंट हो गया। तो उसको कंप्लीट करने के लिए सुचारू करने के लिए परमात्मा ने कहा था कि संवत 1774 होई ता दिन प्रेम प्रगट जगलोई, और उसके माध्यम से मेरी पुनः वाणी प्रगट होगी। तो वो गरीबदास जी ने वह कसर परमात्मा ने गरीबदास जी को सच ऊपर ले गए फिर वापस छोड़ा, उसमें वो फीड कर दिया जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में पूरी की पूरी फिल्म फीड फैक्स हो जाती है और उसमें भी रह जाती है। तो परमात्मा ने ऐसे वो ज्ञान
गरीबदास जी ने दिया। तो गरीबदास जी ने फिर इन नकली संतों के बारे में क्या बताया है, कंठी माला सुमरणी ये सभी सिलसिला मेटे, कन फूका गुरुआ मिले है जो जम मारी फेटे, कंठी माला सुमरणी भाई पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साध का और अंदर रख्या खो। कहते हैं ये ऊपर कंठी पैर ली, माला बना ली, एक मणिये की माला कंठी पहनते हैं कबीरपंथी नकली, एक तुलसी की लकड़ी का एक मनिया बना कर एक जनेऊ से बांध देते हैं। और यहाँ भी वो भगत आते हैं, उनको हम कहते हैं कि ये कंठी माला नहीं चलेगी, इसने उतार दो, तो वो दृढ़ हो जाते हैं, उनको इसने नहीं उतारे, ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब परमात्मा क्या कह रहे हैं, कंठी माला सुमरणी ये सभी सिलसिला मेटे, इसने सब छोड़ छाड़ दो, इन तो पार उपार हो गए, अंदर भक्ति सही करो, सत भक्ति करो, सत साधना से मोक्ष होगा, इन कंठी और माला ऊपर के दिखावे से, चाहे कपड़े लाल पहन लो और चाहे पैंट कमीज पहन लो, भगत वाले लक्षण और भक्ति सही होगी तो आपका मोक्ष होगा, एक विशेष आडंबर से भगवान नहीं मिलेगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि कंठी माला सुमरणी ये पैर ते क्या हो, ऊपर तो दिखा भगत और अंदर रख्या खो, न साधना ठीक न ज्ञान सही, कंठी माला सुमरणी भाई पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साध का अंतर रख्या खो, कन फूका गुरुआ मिले जाने भाव न भेद, जम के हलकारे फिर ये हाथों में लिए बेद। ओए होए होए, अपने आत्माओं एक एक वाणी ऐसी अनमोल है महापुरुषों की। कहते हैं कि ये कन फूक का गुरुआ मिले, कान में फूक मारनिया, और जाने भाव न भेद, और कहते हैं ये काल के हलकारे घूम रहे नकली संत, जो वेदों के ज्ञाता माने जाते थे, न कख भी नहीं पता वेदों का, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बातें हैं पुराण 18, और जड़ को अंधा पत्ते खुआवे भूल गया सृजनहारा। अगर इन्होंने वेद पढ़ा होता ये पत्थर पूछते, वेद का ज्ञान होता तो कहते हैं ये वेदों ये काल के दूत फिर रहे हैं, वेद को हाथ में लिए लिए, आपने एक नकली महर्षि दानंद की सारा इतिहास आपके रूबरू कर दिया दास ने, अरे कितना शिखर में चढ़ा रखा था, सिरपद रखा था, एक आदमी ने ऐसा महर्षि नहीं, इस जैसा वेदों का ज्ञाता नहीं, तो ऐसे कहते हैं ये काल के दूत थे, वेदों का नाम ले ज्ञान सारा उल्टा ठोक रखा। तो यहाँ उसी को प्रमाणित कर रहे हैं कि जम के हिलकारे फिर ये हाथों में लिए वेद, जहाँ भी आप महर्षि दानंद की फोटो देखोगे वेद पहले दर रखे, उसमें चारों जन संठे काले रखा था, लिखे लिखाए भी सुना हो जैसे, और कक का पता नहीं उस आदमी ने, तो पुण्यात्माओं आज तक ये नहीं बिजली गिर रही थी, हम इनको महर्षि माने थे, ये थे कौन बालकान जैसे ज्ञान के भी, इनका सत्यार प्रकाश आपके दास ने आपके रूबरू किया, जिसको हम सर्वधारीय मान्या करते, और उसमें इतना डंगा बकवाद भर रखी जो एक आम आदमी भी ना लिखे ऐसी बात, तो मूर्ख भी जो उसने लिख रखी, कहते सूर्य पे ऐसे व्यक्ति रहते हैं जैसे यहाँ पर हैं, सारे बाग बगीचे हैं, सारे पदार्थ हैं, बता वो एक इंसान भी था और मैं ऋषि की पदवी पाए गए। कहते हैं झूठे गुरु बहुत हैं ये अनगन कोट अनंत, सार नाम का भेद बतावे सो सतवादी संत, झूठा गुरु काल है ये फांसी दे अड़ाए, मारत है मैदान में वो छलबल बहुत बनाए, झूठा गुरु काल है ये गुरु का दया स्वरूप, या मैं मीन नमेख है जैसा संवल रूखे। एक एक वाणी का निष्कर्ष देखो पुण्यात्मन महापुरुष, ये थे वो महापुरुष भगवान से प्राप्त ज्ञान, यानी ये तत्व ज्ञान है। कहते हैं झूठा गुरु काल है और गुरु का दया स्वरूप, और या मैं मीन नमेख है जैसे संभल रूख। अब जैसे एक संभल का पेड़ होता है संभल, और संभल के पेड़ पे ये तोता जो होता है तोता, ये वृक्षों को सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये वृक्ष देखते रहते हैं, ताक में रहते हैं कि ये पौधा उगा है ये पेड़ बनेगा,
और फिर इसके फल खाऊंगा, तो उस जो ये संभल का पेड़ जब उगता है बहुत सुंदर पत्ते होते हैं, बड़ा हरा भरा होता है और बड़ा हो जाता तो इतने बढ़िया फल लगते हैं इसके डोडे, और ऐसा लगता है जैसे बहुत ही स्वादिष्ट पदार्थ होगा, लेकिन उसमें होती है रुई। अब वो तोता ये देखता है कि ये फल पक गया, 12 वर्ष इंतज़ार किया कि फल खाऊंगा, इस फल यहाँ ये पेड़ गणे हो गए वृक्ष इसके संभल के, और जब वो परिपक्व होते हैं जिस उद्देश्य से वो चोंच मारता है उसमें वो पदार्थ ना हो करके रुई उसके मुंह में फंस जाती है, उसने जान बचानी मुश्किल हो जाती है तोते। तो यहाँ परमात्मा कहते तुम जिनको गुरु मान रहे हो उन पर आश्रित हुए बैठे हो, लास्ट में आपने ऐसे पश्चाताप करना पड़ेगा जैसे उस तोते ने उस संभल के वृक्ष को एक अच्छा फलदार स्वादिष्ट फलदार वृक्ष मान के उस पर आश्रित था, फिर सिर पटक कर रो रहा था। झूठा गुरु काल है ये गुरु का धरा स्वरूप, या मैं मीनन मेख है जैसे संबल रूख। फिर क्या बताते हैं, कान चिराए क्या हुआ ये करकंकन नेपाल, मुद्रा पैरे क्या हुआ सिर फोड़ेगा काले। कहते हैं कान चिराणते कान में मुद्रा पहनते और 36 आडंबर करने से परमात्मा नहीं मिलेगा और यम के दूत लठ मारेंगे तुम्हें तुम्हारे गिर के। कहते चुंडित मुंडित पकड़ लिए इनसे जम किंकर ना डरता, ये चुंडित कति जटा बड़ा बड़ा को बड़े बड़े राखों ऋषि दिखाई दे और कति गोटम गोट करा रख्या साधुपना दिखाने के लिए। कहते इन तो यम के दूत ना डरते इन बकवादों से, वो तो सत मंत्र जो सच्चा नाम जिसके पास होगा उससे भयभीत होते। फिर क्या बताते, मौन रहा तो क्या हुआ ये बोले से नो भेवे, मौनी वक्ता एक है ना पर से दल देवे। अब जैसे एक नकली था, आडंबर करे बिना इनका काम चला नहीं, दुनिया आकर्षित नहीं हो, एक ने कहा कि मौन धारण कर रखा उसने, एक कबीर पंथी गीसा पंथी संत था और दास को पहले नाम देने का आदेश नहीं था जब तक 1988 से 1994 तक, तो दास इनको संत मान के इनसे परमात्मा ने इनकी तलाशी दिवानी थी मेरे थे, उससे मिलता था चर्चा होती थी। एक दिन मैं गया तो क्या पता चला कि महाराज जी तो मौन व्रत रखा है 41 दिन का। मैं चलो भी ठीक है, मैं बैठ गया तो वो निकला गुफा से बाहर, तो उसने क्या किया एक स्लेट ले रखी, जो बच्चे बच्चों की होती थी पहले स्लेट पत्थर की, और एक चौक ले रखा, उस पर लिखा कि भगत जी को चाय पिलाओ, स्लेट पर लिख दिया, तो वो चाय ले आए। फिर लिखा कब आए, वो बोला जी अभी आया हूँ। अच्छा, अब उस स्लेट पर लिखे और फिर उनको पानी पिलाओ। अब यहाँ वो परमात्मा कहते हैं कि मौन रहा तो क्या हुआ जो बोले सैनो भेव, इशारों से बात कर रहा, मन तो डिस्टर्ब हो लिया, बताओ उस मौन रहने से क्या लाभ हुआ तुझे। और मौनी वक्ता एक है ना पर सैदल देव, परमात्मा के पाने के लिए ये आडंबर केवल बकवाद मात्र है आपकी, इनसे ये भगवान नहीं मिले। और ये भोली आत्मा इन्हीं से प्रसन्न होते हैं, बाबा जी भाई 41 दिन में, और फिर 41वें दिन उसने वो व्रत खोलना था, समागम हो गया, हजारों आदमी इकट्ठे हो गए, लाखों रुपये उसने मिल गए, हो गया उसका काम पूरा। अब वो भी पार और चेले भी पार, दोनों गधे बनेंगे इकट्ठे। कहते सन्यासी 10 नाम है ये शिव का धर है ध्यान, शिव के ऊपर ओर है ताको कर प्रणाम। ये सन्यासी 10 नामी सन्यासी कहलाते हैं, भगवान शिव को इष्ट मानते हैं। कहते हैं शिव के ऊपर और परम शक्ति है, उसका ध्यान धरो जब तुम्हारा कल्याण होगा। देखो से भगवान का दूर महल दरबारे, पाखंडी पहुंचे नहीं दे सतगुरु पार उतारे। इन भेखों से बनावटी आडंबरों से परमात्मा का घर बहुत दूर है,
और पाखंडी वहां ना जा सकता ना ले जा सकता, सतगुरु दे पार उतार, सतगुरु आपको पार उतारेगा। डंब कर डूंगर चढ़े अंतर झिन्नी झूले, जग जाने बंदगी कर ये बोवे सुलभ भूले। आप देखते होंगे, हमने खूब देख रखा बिटर एक्सपीरियंस है दास का। क्या देखा करते, एक समय ये दास अपनी से ड्यूटी पर जा रहा था, दास हरियाणा सिंचाई विभाग के अंदर जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर था, मोटरसाइकिल में जा रहा था अपनी ड्यूटी पे। तो रास्ते में काफ़ी व्यक्ति इकट्ठे थे, एक ऊंचे से ऊंचा सा स्थान था गांव में बाहर, और उस जंगल था वहां पर। वहां क्या देखा, एक बाबा जी बैठा और दूर से दिखे 10-20 भक्त बैठे। मैं भी चला गया उधर जा देखने के लिए। जब तक ये दास को ये ज्ञान नहीं था, साधु संत की ऐसे अट्रैक्शन होती थी, तो वहाँ बैठे काफ़ी लोग बैठे, दूणा ला रखा, इन्होंने सुल्फे पी हुए भर भर चले, वो भी पी हुए और जाओ 10 रुपये से डाल दें। और तो अब वो ऊंचे पन्नू बैठे, सब न दिखूँ ताकि मेरे पुजारी आ जाए। तो क्या है, तो यहाँ क्या कहते हैं, डंब करें पाखंड करें और डूंगर चढ़ें, यानी ऊपर ऊंचे स्थान पर टिल्ले पर जाकर बैठेंगे, और अंदर कोरी बकवाद अंतर झिन्नी झूल, और जग जाने यो बंदगी करे। आम जनसाधारण तो ये समझता है कि वो भगति कर रहा होगा, तो परमात्मा कहते यो बो वै सूल बबूल, ये तो अपने भविष्य में की करके कांटे बोण लाग रहा है, कर्म फोड़ रहा है अपने। डंब करें डूंगर चढ़े ये अंतर झिन्नी झूले, जग जाने बंदगी करे ये बोवे सुलभ भूले। फिर कहते हैं माला मुक्ति न होते है, मुक्ति होत है नाम। इन माला से मुक्ति नहीं होगी, इस नाम से मोक्ष होगा, चाहे माला तो जप ले चाहे बिना माला तो जप ले, केवल ये माला पैर के आडंबर करने से बात नहीं बनेगी। अपने आत्माओं जैसे दास आज जो सत्संग एंड करेगा, उसी के कारण ये आगे चल के बात बिगड़ जाती है। जैसे थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ, ये माला गलमा पहरण की परंपरा कैसे चली। जब भक्ति किसी भी युग में कभी प्रारंभ हुई थी, परमात्मा आते हैं, थोड़ी बहुत भक्ति वो स्टार्ट कर जाते हैं, चाहे प्रथम मंत्र की ही थी, तो उस माला से जाप किया करते थे। तो पहले क्या करते थे, जे कपड़े वस्त्र इसे होते नहीं थे, माला से जाप किया और माला को आदर के साथ गले में डाल लिया करते। वो लोग दिखावा नहीं था, वो सिर्फ अपना सुरक्षित स्थान और आदरणीय स्थान सीने से लटकी रहती थी, और जब उसकी आवश्यकता पड़ती उसको जब जाप कर लिया करते थे। तो जिसके गले में माला होती वो जाप करते थे, तो बगैर मर्यादा के उन मंत्र करने वालों से अगर किसी को दुआ निकलगी वह सफल होगी। तो गृहस्थी आदमी ने को किसी ने आशीर्वाद दे दिया, उस माला वाले ने जाप करनी ने, तो उसको लाभ हो गया, तो उनकी पूजा शुरू होगी, अपने घर घर बुलाने लग गए, जब यह थोड़ी सी भक्ति डाउन होने लगती है। तो फिर ये पहचान मान ली कि जो गल में माला डाल रहा है ये भगत है, और इसकी पूजा सेवा करने से बहुत लाभ हो जाए। तो हम दो भागों में बट गए, तो जो माला डालने दिखता उसको हम भगत और संत मान लेते, उसकी सेवा करते चरण धोते और उससे थोड़ा बहुत लाभ उसको मिल जाता। अब कैसे, वो तो ऐसा था जैसे एक किसी ने अपने टायर में हवा भर रखी है और उसमें से लाकर दूसरी ट्यूबर दूसरे के टायर में डालता रहे, डाल तो थोड़ी बहुत आ जाएगी, उसका भी काम ना चला पूरा और उसकी खत्म हो जाएगी। तो ऐसे बात बिगड़ती चली गई। तो ऐसे हम इन नकलियों को जो गल में माला डाला करते, प्रारंभ में तो ये भगत थे, फिर मर्यादाहीन होने से अपनी संग्रहित कमाई को यहीं डिस्ट्रॉय कर जाया करते थे और दोनों यहीं के यहीं रह जाते थे। तो इस प्रकार ये माला का वो प्रचलन चला था। तो फिर लोगों ने जब नो देखा कि माला जिसने डाल रखी है उसको भगत मानते हैं, फिर पाखंडी ने दो दो डालनी शुरू कर दी। तो क्या कहा करता, को पूछता भाई दो क्यों डाल रखी है भगत जी के, दोनों हाथों जप्या करो मैं। तो उन्होंने सोचा भाई यू और बड़ा भगत होगा तो उसकी और ज्यादा पूजा शुरू होगी।
तो जिसने फिर तीन तीन चार चार डालनी शुरू कर दी तो चारा वाले ने ज्यादा पसंद करन लग गया आम भोले भगत। तो न्यो भट्ठा बैठ गया एक उस एक आश्रम के अंदर कुछ भगत, वो गांव वालों ने एक आश्रम बना रखा था, पांच सात कमरे बना रखे थे। इसी तरह हम ज्ञानहीन होने से हम इन नकलियों के मजदूर बने रहे, हम इन इनको ये थोड़ी बहुत भक्ति कर दे जैसी, और फिर हम उनसे सेवा करके रोटी टूका खुआ कर थोड़ा बहुत राहत हम ले लेते, हम इनके भिखारी बने रहा करते थे। अब दास चाहता है कि घर घर में सब धनवान धनवान हो, भगवान के खजाने में कोई कमी है, जो भक्ति करेगा वो धनी हो जाएगा, भगवान की भक्ति का सारे सुख आपको प्राप्त होंगे, हम क्यों किसी के मुँह की तरफ देखेंगे। फिर तो क्या था, उसमें पाँच सात कमरे बना रखे थे, वहाँ पर साधु संत आया करते थे और गांव के लोग वहाँ सेवा करने जाते थे। तो वो क्या किसकी सेवा करा करते, जो ज़्यादा भजन करता दिखे। उन्होंने क्या पहचान करा की थी कि ज़्यादा भजन कौन करता है, जो सबसे पहले उठ कर स्नान करके और अपने भजन पर बैठ जाता है। तो भगत वहाँ जो रहते थे सेवादारे का दा, तो गांव वाले उनसे पूछा करते थे कि आज पहले कौन सा उठा था, कि आज जो उनके लंगोट सुखा करते बाहर, एक एक कॉपिन रखते थे वो दो के सुखा कर और अपने भजन पर बैठ जाते थे। तो जो सबसे पहले बता देते थे कि ये उठा था सबसे पहले, ये इसका इसी का लंगोट सूख रहा, तो उसी की पूजा ज़्यादा लोग करने लगे। और दूसरे जो लेट उठते थे उनको वो विशेष ध्यान नहीं देते थे, उसी का पूजा करनी, उसी को प्रणाम करना, उसी के पैर दबाने। तो दूसरे एक उनमें नकली था आलसी सा आदमी, उसने सोचा भाई यूँ के चक्कर है, इसकी पूजा क्यों हो रही है। तो उसने पता चला कि वो बखत तो उठा है, इसलिए यार इनने पहचान कर रखी है लंगोट की, इसका पहले सुख्या पावे। वो क्या करने लग गया, उन तो सब तो पहले उठा आध घंटा, और इतना आलसी था और नाव भी ना था, लंगोट ने पानी में बेकर सबसे पहले टांग दे उड़ा और उल्टा सो जावे। तो वो उन्होंने पूछा भाई ये किसका लंगोट है, कि ये इस महात्मा का है। वो सारे उन सारे ने छोड़ देगा उस नकली के लाग गए साथ, उस लंगोट की पहचान करके पहले कौन सा उठे रात ने। तो हम न्यो भक्ति का नाश कर लिया। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं माला मुक्ति न होते है ये मुक्ति होते है नाम, एक अक्षर एक अक्षर बाहरा ये उजड़ भला नगाम। कहते माला मुग्ध गवारे को गल में पैरा काठ, दगड़े दो जक के चल्या लखी न सतगुरु बाटे। माला मुग्ध इस मूर्ख ने ये गल में काठ पैर रखा इतना मोटे मोटे मणिए, और दोजक दगड़े दोजक कह चला नरक के रास्ते को पकड़ रखा है, लखी ना सतगुरु बाट यानी सतगुरु के मार्ग का इसको पता नहीं चला। मुंड मुंडावे मूर्खा ये कर हैं घोटम घोटे, बार भेख बनावे ही अंदर गिन अनगिन खोटे। ये मुंड मुंडावे मूर्खा यानी उस तरह फिरा लेते हैं, कचकोला कोरा कटवा लेते हैं, और कर मुंड मुंडावे मूर्खा और कर हैं घोटम घोट, और बाहर भेख दिखावे ही बार तजनो दिखे बड़ा महात्मा होगा, अंदर अनगिन खोट। केले की कोपीन है ये फूल पान पलखा ही, नरका मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाई। एक समय इस दास को ये ज्ञान प्राप्त हुआ तो हम अपने ऑफिस में बैठ के, फिर तो हमारे पास एक यही चर्चा हो जाती है, जो भी जिसने हमारी बात सुहावी थी उसको चर्चा शुरू कर देते थे। तो उनमें से कहने लगा कि नहीं आपने संत तो देखे नहीं है, मैंने बताया मेरा ऐसे ऐसे गुरुजी हैं उनसे मैंने दीक्षा ली है। तो वो एक कहने लगा आपने संत तो देखे नहीं है, दूसरा मेरा साथी कह रहा था मैं कैसे होते हैं भाई, कि मैं एक बार ऋषिकेश गया हुआ था हरिद्वार से आगे, और वहाँ एक आगे जंगल है 1 किलोमीटर आगे चल के साइड में, और वहाँ एक महात्मा रहता है और वो केवल एक लंगोट बांधता है केले के पत्तों की, जंगल में रहता है
और जंगल में इतना गहरा चला जाता है आदमी के तो दर्शन भी नहीं करता वो, और जय उसके दर्शन हो जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। तो बहुत से लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे थे, तो मैं भी जाकर बैठ गया, उनसे पूछा ताची की, तो उन्होंने बताया कि एक महापुरुष रहते हैं यहाँ पर और वो कभी कभी यहाँ दिख जाते हैं विचरण करते हुए, तो हम उसके दर्शनार्थ बैठे हैं, हो सकता हमारे भाग जाग जा, लेकिन वो जब भी कोई आभास होता है तो भाग कर अंदर गुफा गहरी जंगल में भाग जाता है, आदमियों को दर्शन नहीं देता। तो कहने लगा कि एक बता रहा था कि मैंने एक दिन थोड़ी सी दर्शन हुए थे बस एकदम, फिर वो पीठ फेर कर भाग गए, बस उस दिन थोड़ी सी कसर रह गई ना, बेड़ा पार हो जाता। तो उसी आस में 20-30 आदमी बैठे थे वहाँ। अब इस परमात्मा के ज्ञान से वो निर्णय होगा कि वो के था, वो कौन था, आए है उसके क्या कहते हैं सुख संवेद में, केले की कोपीन है वो फूल पान फल खाही, केले के पत्ते की तलंगोट बांध रखा है, ऐसे बैरागी त्यागी महसूस होते हैं और फूल पत्ते और फल खा के गुजारा करते हैं और बस्ती के निकट नहीं जाते, आदमी का मुंह भी नहीं देखते, ऐसे त्यागी बैरागी उनको संसार एक समर्थ संत मानते हैं। अब उसका पैमाना दिया है सुख संवेद में, केले की कोपी ने है जो फूल पान फल खाही, नरका मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट नहीं जाही, वो क्या है, वो जंगल के रोज है जो मनुष्यों विद के जाही, निस्तन फिरो उजाड़ में नो परमात्मा पावे नाही। कैसा पैमाना दे दिया, वो जंगल के नील गाय है रोज है जो आदमियां देख कर भाग जाओ फदड़ फदड़ करो, पता नहीं कहाँ जाकर डटे, ये जंगल के रोज है, जब नाम से मोक्ष होगा, इन बकवादों से होगा, इस जंगल में पशु सारे नंगे फिरे और भाग जाते हैं, मृग भी भाग जाते हैं आदमी से डर के। फिर इसका समाधान बताते हैं, डेरे डंडे खुश रहो ये खुसरे लेना मोक्ष, दरु पर लाद पार उतर गए फिर डेरे में क्या दोषे। परमात्मा देखो, और तो उदाहरण उनके पास था नहीं जब यो ज्ञान मालिक दिया करते थे, हम धरु और प्रह्लाद को मुक्त मानते हैं, मानते हो खां जी, तो जब धरु और प्रह्लाद तुम कहते हो पार हो गए, उनके इतिहास देखो पढ़ के, प्रह्लाद जी 10 वर्ष के थे जब नरसिंह जी आए उनको मिले, यानी परमात्मा प्राप्ति हुई, भक्ति वो पहले से ही कर रहे थे, और फिर उन्होंने शादी करवाई, और जो राजा बलि था जिसने वो 100 अश्वमेघ यज्ञ करी थी इंद्र की गद्दी प्राप्त करने के लिए और जिसके लिए भगवान आए थे बावना रूप बना के, तो वो प्रह्लाद का पोता था, बैलोचन का लड़का था, तो उनने ब्याह करवाया, बालक हुए और वो पार हो गए। और ध्रुव, ध्रुव का भाई था उत्तम, उसकी मृत्यु हो गई थी, फिर ध्रुव ने ब्याह करवाया और उत्तम वाली पत्नी भी उसके साथ रही रखी उसने, तो वो भी पार हो गया। तो कहने का भाव ये नहीं है कि तुम जो बकवाद करते हो कि ब्रह्मचारी जंगल में गए वह पार होंगे, नहीं, अगर ब्रह्मचारी पार हो तो ये इजड़े तो सब तो पहला पार हो जा, उनका तो 5-6 नंबर आवे, लेकिन मोक्ष होगा भक्ति से, चाहे ब्रह्मचारी हो रहे कर लो और चाहे ये खुसरे कर लो और चाहे गृहस्थी कर लो, दुराचार बुरा बताया, ये तो वैसे अच्छा नहीं, वैसे भी बेहुदी बातें हैं। तो कहने का भाव ये, भक्तों के तो वैसे सतर के काम नहीं है। तो इस प्रकार क्या कहते हैं, डेरे डांडे खुश रहो, डेरे डांडे खुश रहो, खुश रह लेना मोक्ष, और ध्रुव पर लाद भी पार हो गए फिर गृहस्थी में के दोष, अपने आत्माओं ये नो काम बिगाड़े हैं। एक बार गरीबदास साहिब जी जब परमात्मा से परिचित हो चुके थे और अपना ज्ञान प्रचार भी करते थे, कोई उसके उनके पास आ जाता था तो ज्ञान भी देते थे, दीक्षा देते थे, केवल सिंपल सी ये मूल ज्ञान नहीं देते थे, फिर भी उनसे बहुत राहत मिलती थी, वो समर्थ थे, आशीर्वाद से भी लाभ देते थे, संसारिक सुख दिया करते। तो उन एक आपको बताता हूँ इनकी कैसी दुर्गति होती है, जग जाना ये बंदगी कराइए बो सोल बबूल। एक बेरी गाँव है रोहतक जिले में, अब वो झज्जर में हो गया,
तो वहाँ का उस गांव का एक व्यक्ति था हरलाल नाम का, और वो धार्मिक व्यक्ति था घना। उसने एक साधु रख लिया अपने घर पे कि महाराज आप यहाँ रहो, उसके लिए एक चौबारा बनवा दिया ऊपर, आप यहाँ रहो, हमने सेवा मिल जाएगी, हमारे कर्म बन जाएंगे, आपकी भक्ति बन जाएगी, आपने भक्ति करनी है, आप बाल ब्रह्मचारी हो, घर छोड़ रखा कहाँ भाई, ठीक है, होगी सेटलमेंट। उसका ऊपर चौबारा बना दिया, एकांत में उसको बढ़िया भोजन दे सुबह शाम, और वो अपना भजन करे जैसा भी वो सोच रहे थे भजन करे। और वो भजन उसके पास भक्ति थी ये नहीं हुआ, तो क्या हुआ कि वो क्या करता था, बढ़िया माल खावे, हरफा खावर सो जावे, या जिसी भक्ति थी अटपट की साधना करे थोड़ी बहुत देर, वो भक्ति मोक्षदायक थी नहीं। तो क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद उस संत की मृत्यु होगी, अंतिम संस्कार कर दिया। तो पहले क्या करते थे कि गांव के जो किसान लोग थे बैलगाड़ी रखा करते थे, और ट्रांसपोर्ट का जो काम होता था आजकल ट्रकों से होता है, पहले बैलगाड़ियों से करा करते थे। तो बेरी से और इधर नजबगढ़ साइड में जाया करते थे वो, अपनी उस मंडी से सामान लाते थे, जैसे वहाँ से गुड़ ले आए, बूरा ले आए, इधर से बाजरा ज्वार ले जाते थे भर के, ऐसे वो ट्रांसपोर्ट करते थे। एक दिन गरीबदास साहेब जी उसी रास्ते पर, जो रास्ता गांव छुड़ानी से होकर बेरी से आगे जाता था नजबगढ़ साइड में, तो वहाँ कुआं था एक, उस कुएं पर बैठ कर गरीबदास जी स्नान कर रहे थे सुबह सुबह। गर्मियों का मौसम था, पाँच बजे उधर से वो हरलाल गाड़ी लिए आ रहा था, और उसने जो बैल एक जोड़ रखा था वो बैल था गोरे कलर का, लाल रंग का, और वो क्या कर किया उसने, वो बैठ गया, वो बैठता था ऐसे, और वो हरलाल उतर कर फिर उसका लठ मारता, उसने फिर ज़बरदस्ती ठाता, फिर वो आधा किलोमीटर ठीक चलता और फिर बैठ जाता। तो वो कुदरती वहाँ बैठ गया आकर जहाँ गरीबदास जी नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे। तो गरीबदास जी न्योके न्यों उठ के धोती बांध रखी थी नहाते नहाते, और वहाँ गए उस बैल के पास जो बैठ गया था, एक बैल खड़ा था, गाड़ी रुक गई थी, तो उन्होंने उसके कान में कोई बात कही, वो एकदम खड़ा हो गया, वो बैल खड़ा हो गया। तो किसान ने तो यह बड़ी बात थी, बैल ठीक चलने लग गया, और वो वहाँ से लेकर बेरी लगभग 10-15 किलोमीटर पड़े हैं छुड़ानी तक, बेरी तक वो बैठा नहीं। उधर से राम रमी हुई, महाराज कौन हो आप, भाई गरीबदास नाम है मेरा, और यू क्या हो गया, कुछ ना बस आ गई इसका समझ में, जब तो वो चला गया। फिर उसने जाकर देखा, उसका जब न्योना जची की खड़ा हो गया गरीबदास, फिर बैठेगा थोड़ी दूरी पर, वो ना बैठा। तो फिर उसने पता करा, भाई बैल ही भी इतना इस दूसरे तो भी आगे चल रहा है, तो इतना तेज चल रहा है, क्या चक्कर है, उसने के कर दिया इसके कान में। तो वो वापस आया, जब उस गांव में रुक गया और पूछा, वह गरीबदास कौन है, वो कुदरती परमात्मा वहीं आगे स्नान, वो गरीबदास जी उसी टाइम से स्नान, उसने नहीं सोचा इस टाइम से आया करो वो नान भगत और वहाँ मिल लेगा। तो जब वो स्नान करना पता था भगत किस लिए आ रहे हैं, वो तो परमात्मा से परिचित हो चुके थे। तो जब उसने देखा कि वो आदमी है जो उस दिन कान बैल के कान में कुछ इसने फूक फाक मारी थी, प्रणाम किया और पूछा, भगत जी आपने इस बैल के कान में क्या बोल दिया, ये तो उसके बाद डटा नहीं डटता और ना बैठता, आप तो भाई पहुँचे हुए महात्मा हो। अब इतना गरीबदास जी का उसमें ज्ञान इतना था नहीं, क्योंकि हम घर का जोगी जोगड़ा और बाहर का जोगी सिद्ध, ये तुम्हारी पुरानी आदत है। तो गरीबदास जी ने कहा कि अब बैठ जा, बताऊंगा क्या कह दिया मैंने, आपके घर में चौबारे में एक बाबा जी रहा करता, संत भगत अखा जी रहता था, कहाँ गया वो। तो उस अरलाल भगत ने, किसान था वो जाट, उसने बताया जी वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गया, 4-5 वर्ष हो गए, परमात्मा ने कहा कि ये बैल ओए है तेरा बाबा जी,
इस नकली पर भक्ति बनी नहीं, सत साधना इसके पास थी नहीं। यू खाव अथार सो अथार नकली डड़े डोए था, कंकर पत्थर कट्ठे करे, साधना ठीक नहीं थी। ये वही बाबा जी है, वो भगत जो घर छोड़ कर चला गया था, ब्रह्मचारी भी था, बैल बनकर गाड़ी खींच रहा है, क्योंकि तेरा खा रखा था इसने, पूरा करना पड़ेगा वापस। मैंने इसको ये कहा, भाई भगत जी चाहे तो लठ खा के इसका दे दे, और चाहे अपना स्वभाव पूरा कर दे, पूरा करे पीछा छूटेगा तेरा, इसका समझ में आ गई, अब ये तेरे पूरे करेगा। अपनात्मा देखो, अब जो भी कोई साधना कर रहे हैं वो हैं परमात्मा के बच्चे, किसी ना किसी जन्म में वो मालिक के साथ रहे। आगे साधना नहीं मिलती तो वह 84 लाख योनियों में चले जाते, और परमात्मा ने वहाँ भी दया करा दी अपने गरीबदास जी के माध्यम से, और लाल का मन फेर दिया कि अभी भगत था यो और यू बैल बन गया, इसकी दुर्भाग्य, पर आज के बाद इसने मैं गाड़ी में नहीं जोड़ूंगा, अलग से बांध दिया, चारा चरावे और बैठे रहे। देख परमात्मा ने भगत की वहाँ भी रक्षा कर दी और सुविधा दे दी, लेकिन भक्ति बिना क्या बने, अगला जन्म उसका सूर का होगा, फिर क्या सुविधा देंगे। तो पुण्यात्माओं यह सौभाग्य आपका, आपको अनमोल रत्न मिल रहा है, इसने संभाल कर रखियो। अब जो प्रसंग चल रहा था, दास आपको बता रहा था कि अब आपको वो अनमोल वस्तु मिल गई है जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुई। आपका भक्ति धन थोड़ी ही साधना से अत्यधिक बन रहा, संग्रहित हो रहा है, और इसी भक्ति धन से आपको यहाँ की भौतिक सुविधाएं भी प्रयोग करनी है, और आगे चलने के लिए भी इसको सुरक्षित रखना है, इसको बांटना नहीं। अपनात्मा कुछ दिनों के बाद जिसने एक दो वर्ष साधना या कर ली भगवान की सत साधना, तो आपका जो भक्तिहीन हो जाओगे, आप किसी को आशीर्वाद दे दोगे ना, वो भी फलने लग जाएगा, आपके पंचर हो जाएगा और उसमें हवा भरने लग जाएगी, आप भी डाउन हो जाओगे, यही रह जाओगे, आपकी गाड़ी खड़ी हो जाएगी और उसने उसका लाभ होना नहीं, क्योंकि दोनों को फुल एयर चाहिएगी टायर में आगे गाड़ी बढ़ाने के लिए, और वो अलग सिस्टम है जो दास आपको दे रहा है। इससे पंप सारे भरो और अपनी गाड़ी चलाओ। एक दूसरे मूर्ख होगा जो अपने टायर में दूसरे के टायर में हवा भरे, दोनों कंडम हो जाओगे। तो इस साधना से हम ऐसे बिगड़ जाते हैं। जो प्रसंग चल रहा था कि ऐसे जो जन्म मनुष्य के होते हैं वो ऐसे होते हैं जो पुनकर्मी प्राणी है, जैसे अब ये भक्ति युग चला है, अभी एक दो वर्ष और बाधा रहेगी, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, क्योंकि समझदार हो, बुद्धिमान हो, सबको ज्ञान हो गया, अब कौन किसकी सुनेगा, फिर दो एक दो वर्ष के अंदर पूरे विश्व में फैल जाएगा, सब आपके साथी समर्थक हो जाएंगे, फिर बात तक खत्म हो जाएगी, फिर जो मर्यादा आप करोगे आपका सहयोग देंगे, और वो भी वो मर्यादा ही पालन कर रहे होंगे, तो आपका भक्ति खंड नहीं होगा, आप भी सफल होगे और वो भी होंगे। फिर क्या होगा कि कुछ दिनों में आपको इतना सुख हो जाएगा, क्योंकि भगवान सुख सागर है, आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880541।